पिछले वीडियो में मैंने बात की थी टॉप 10 मूवीज ऑफ 2023, पर इस साल कुछ ऐसी मूवीज भी आई है जो फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेकार है। इन मूवीज को ऑडियंस ने या तो बहुत क्रिटिसाइज किया या फिर ये बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। तो चलिए टॉप 5 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2023 बताता हूँ। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि किसी का भाई किसी की जान मूवी इस लिस्ट में नहीं है। हाँ, अगर मैं टॉप 10 बनाता तो शायद ये मूवी उस लिस्ट में होती। तो नंबर 5 पे है शहजादा, अला वेकुंठपुरमुलु, जो एक साउथ इंडियन मूवी है, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी थी, उसका रिमेक है ये शहजादा मूवी। जो कॉमेडी या फिर इमोशंस अल्लू अर्जुन ने मूवी में दिए थे वो यहाँ बिल्कुल मिसिंग थे। वो कॉमेडी, एक्टिंग, एक्शन या फिर इमोशंस कार्तिक आर्यन पे सूट नहीं कर रहे थे। मूवी में वैसे भी सब कुछ फोर्सफुली लग रहा था, इसकी वजह से मूवी ज्यादा चली नहीं। नंबर 4, द लेडी किलर, एक ऐसी मूवी जो पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई पर उसके पहले ही उसको रिलीज कर दिया, क्योंकि मूवी के प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ इश्यूज आए थे। प्रोडक्शन बजट बहुत हाई था और पता है इस मूवी ने कितने कमाए? सिर्फ 38,000 का बजट था, कम से कम 45 लाख तो कमा लेती। आगे जाके मुझे नहीं लगता ये मूवी OTT पे भी आएगी, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट मूवी है। नंबर 3 पे है तेजस। ऋतिक और कंगना के बीच अब कंपटीशन चल रहा है। जैसे ही ऋतिक की मूवी फाइटर का अनाउंसमेंट आया, उसी टाइम कंगना ने अपने इस मूवी को फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी ऑफ इंडिया के टाइप से प्रमोट किया। अब जिस चीज से प्रमोट किया इस मूवी में वही खराब था, इसका एरियल एक्शन सीन। VFX और CGI बिल्कुल बेकार थे। मुझे लगता है एटलीस्ट इस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए था। एज एविएशन और पेट्रियोटिक फिल्म, इस मूवी ने दोनों ही केस में हमें डिसअपॉइंट किया है, और उसी रीजन की वजह से ये मूवी सिर्फ 2 या 3 दिनों में ही थिएटर से निकल गई। टॉप 2 की जो 2 मूवीज है उन दोनों के बजट बहुत हाई थे, बट फिर भी दोनों ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो नंबर 2 पे है आदि पुरुष। मुझे लगता है कि ये मूवी हर चैनल के वर्स्ट मूवीज ऑफ 2023 के लिस्ट में जरूर होगी। ट्रेलर आया था तभी समझ गया था कि ये मूवी रामायण को उतने अच्छे से दिखा नहीं पाएगी। इस मूवी का वीक पॉइंट इसका VFX और CGI नहीं था बस, बल्कि इसका डायरेक्शन, कास्टिंग और डायलॉग्स थे। प्रभास कहीं से भी श्रीराम जी के रोल में सूट नहीं कर रहे थे। मूवी का बजट 600 करोड़ था, पर फिर भी मुझे लगता है कि 60 करोड़ टाइप भी ये मूवी नहीं लग रही थी। स्टिल कुछ हद तक इस मूवी ने अपना बजट निकाल लिया, क्योंकि ये मूवी रामायण से इंस्पायर्ड थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस मूवी को थिएटर्स में जाके देखी। तो नंबर 1 की जो मूवी है वो डेफिनेटली है गणपत। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मूवी ने आदि पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया टू इमर्ज एज वर्स्ट मूवी ऑफ 2023। प्रमोशन ऐसे थे कि ये बॉलीवुड की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी है। 150 से 200 करोड़ का बजट था, पर फिर भी बेसिक ग्रीन स्क्रीन निकालना भूल गए। चलो ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा साइड में रख दे, पर फिर भी मूवी बहुत बेकार है। और मुझे ये भी लगता है कि ये मूवी OTT पे नहीं आएगी, मतलब बेटर रहेगा। तो ये थी टॉप 5 वर्स्ट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा इन 2023। आप लोग इस लिस्ट से अगर सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मार देना, और अगर नहीं हो तो अपने टॉप 5 वर्स्ट मूवीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।